आज आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरे को दोबारा से पानी पीना चाहिए। पानी इज गुड फॉर हेल्थ। ओ ए भैया, मैं भाई अच्छी स्टाइल से अपनी गाड़ी लगाई थी, हट जाओ यार यहाँ से। ओके हट गया। आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग बनने वाले हैं एंटमैन। एंटमैन, वैसे एंटमैन के साथ हम लोग जाइंटमैन भी बन सकते हैं और बहुत छोटे वाले स्मॉल एंटमैन भी बन सकते हैं। In short everybody, आज कल हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5, so called as Grand Theft Auto, और उसको कहते हैं कुछ लोग GTA 5, मैं इसको कहता हूँ GTA 5। निकल जाए यहाँ से, निकल निकल, तेरी है ऐसी की तैसी। मेरी गाड़ी के आसपास कोई आ भी मत जाइयो, गोली फाड़ दूंगा, समझ में आया ना? हाँ, ऐसे ही दूर भागो। So guys, आज कल हम लोग बनने वाले हैं Ant-Man in GTA 5, और उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अभी जाना है भाई टोनी स्टार्क के मेंशन के अंदर, जो उसका हाउस है ना, उसके अंदर मेरे को जाना है चोरी छुपके से। तो मैं वो जाऊंगा अभी, ठीक है। एंड वहां से, वहां पर एंटमैन का सूट रखा हुआ है, कॉज वहां पे टोनी स्टार्क जो है ना, वो एंटमैन के सूट को जो है ना कुछ चेंजेस कर रहा है उसके अंदर। आए दारू पी का गाड़ी चला रहा भाई, क्या टक्कर मार दी होती भाई इस इंसान ने मेरी गाड़ी में। बट उससे पहले गाइस ये देखो, मेरी बहुत ही ज्यादा शानदार गाड़ी, कुछ ज्यादा ही शानदार लग रही है वैसे, सही बताऊं तो। ओ वैसे एक बहुत फनी बात है, जितनी गाड़ियां मैंने GTA 5 के अंदर चला ली है ना, मतलब सुपर कार्स, उतनी सुपर कार्स मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी भी नहीं है। ये मैंने अपनी मुंबई बेइज्जती कर दी भाई, अपनी अपने मुंह से अपनी ही बेइज्जती। नाइस अचित, वेरी नाइस, लोगों को सीखना चाहिए। सो बात कुछ ऐसी है कि मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा टोनी स्टार्क के घर पर। ऑब्वियसली तुमको पता है कि GTA 5 के अंदर एक टोनी स्टार्क का मेंशन है, एंड वहां पर मेंशन में मेरे को पता लगा कि भाई वहां पर रखा हुआ है एंटमैन का सूट। तो मेरे को बस वो एंटमैन का सूट पहनना है, उसके बाद तुम्हें पता ही भाई एक्चुअली एंटमैन के पास कोई ज्यादा सुपर पावर नहीं होती है भाई, एक्चुअली वो सीधा एक पेला लौंडा है जिसको सूट मिल गया है, समझे? और गलत बात तो पता क्या है भाई, एंटमैन का जो सूट, सॉरी एंटमैन का जो सूट है वो तो एंटमैन ने बनाया भी नहीं है भाई, वो तो दूसरे बंदे ने बनाया है, वो लकी निकल गया भाई, उसको एंटमैन का सूट मिल गया, तो मैं चुरा लूंगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी भाई, समझे? और ये गाड़ी क्या चल रही है, लाइक ओ माय गॉड भाई, इस गाड़ी की ड्राइविंग बहुत ओपी है भाई, इस गाड़ी का कंट्रोल बहुत ज्यादा ओपी है भाई। ये आई थिंक 300 से 400 पार कर चुकी है भाई और गाड़ी, और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और ओके भाई, क्या टक्कर लगी भाई, क्या वो गाड़ी का क्या हाल हुआ, मैं एक बार चेक करूं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं भाई साहब आयरनमैन के घर के पास, और ये रहा गाइस हमारे टोनी स्टार्क का मेंशन। ओ भाई साहब पूरी लाइट जल रही है, आई थिंक इसके अंदर अपने को जाना है, तब अपने को मेंशन दिखेगा। तो रात हो गई भाई, आते आते कॉस्ट थोड़ा सा दूर था, उसका घर लॉस सेंटोस से थोड़ा सा दूर होता है, बीच के आसपास घर था, और आई थिंक अभी इस घर में कोई भी नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कॉस्ट मेरे को पता भाई टोनी बाहर गया है, वो अवेंजर्स की बिल्डिंग बनाने गया है लिबर्टी सिटी में, ठीक है, तो हम उसकी बिल्डिंग में भी बाद में आपको ले चलेंगे। बट ये देखो भाई साहब, ये है गाइस टोनी स्टार्क का घर, मतलब टोनी स्टार्क का ऑफिशियल बिल्डिंग इन GTA 5, और ये एक्चुअली काफी सही लग रही है यार। ओके तो अपन नीचे जाते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारे इस मकड़ी मानव का सूट कहां पर है, बिकॉज अपने को सूट चाहिए। बट उससे पहले इसका थोड़ा सा हाउस टूर भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली लाइटें लगी हैं, लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही है ना भाई यहाँ पर। ओके तो भाई साहब ये एक नीचे का एरिया है, तो अगर तुम लोग चेक करो तो भाई साहब इस एरिया में अभी भी कुछ काम चल रहा है। ओके ओ ओके, ये रहा भाई साहब हमारे एंटमैन का सूट। ओह माय गॉड, एंटमैन का सूट पहनने से पहले मैं ये तुम लोगों को थोड़ा सा और हाउस टूर दे देता हूँ उसके घर का। बट अगर तुमने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुम लोग को इसके और भी हाउस टूर देता हूँ। उसके बाद हम लोग पहनेंगे एंटमैन का सूट एंड जाइंटमैन बनेंगे और देखेंगे आखिर हमारे एंटमैन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। ओ नाइस, लौंडे के पास भाई साहब ये देखो कितना प्यारा ये है स्विमिंग पूल, छोटा प्लस स्वीट, ऐसा ही छोटा वाला स्विमिंग पूल मेरे को भी चाहिए भाई, छोटा स्विमिंग पूल स्वीट होता है। और ये वीआर का एरिया है, तो एक्चुअली अभी यहाँ पे सारा का सारा सामान आई थिंक आया नहीं है। और ये देखो ये एक सीक्रेट रास्ता था भाई साहब जाने के लिए। ओ ओके, इस एरिया में बहुत सारी चीजें रखी हैं, और यहाँ पर तो गन्स भी रखी हैं भाई साहब ये देखो, और ये देखो इधर साइड और भी गन्स रखी हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पे लिबर्टी सिटी से जो टोनी है ना वो लॉस सेंटोस में शिफ्ट कर रहा है, और ये कुछ चीजें रखी हैं, और ये मशीन गन रखी है भाई साहब गोल्ड वाली, सही है भाई।
ओके और ये इधर साइड का एरिया है इसका, और इसके ऊपर जाता हूँ मैं। उसके बाद अपन चलेंगे सूट लेने के लिए, सूट पहनेंगे एंड फिर देखते हैं कि आखिर हमारे पास एंटमैन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। ओके ये इसका जिम का एरिया रहा, यहाँ पर इसकी जिम है और इधर साइड सोता है ये, इसका बेड है इधर साइड। नाइस। और ये इसका हेलीकॉप्टर एरिया है और नीचे भी एक हेलीकॉप्टर एरिया है और इसके ऊपर भी एक जगह है भाई, अपन इसके और भी ऊपर जा सकते हैं। नाइस। मेरे को ना पता था कि भाई और भी ऊपर जा सकते हैं, ये काफी ऊंचा इसने 3 मंजिल बना रखा है भाई। ये देखो ओके भाई, इसने 3 मंजिल घर बना रखा है अपने टोनी ने। और ये इसकी वॉशिंग मशीन चल रही है, ओए वॉशिंग मशीन के अंदर पैसा धुल रहा भाई ये टोनी स्टार्क, इतना अमीर हो गया भाई ये। ओके ये पैसा भी रखा भाई सब इसका, बहुत अमीर हो गया भाई ये। और ये देखो भाई बिल्कुल समुद्र के पास इसने अपना घर बनाया, ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी भाई। इसने जिस जगह पे अपना घर बनवाया है ना, ये बहुत बेस्ट है, लिटरली इससे बढ़िया जगह मैंने देखी ही नहीं है। ओके गाइस अभी टाइम आ गया है कि हम बनेंगे मकड़ी मानव। यस मकड़ी मानव ही बोलेंगे ना उसको, दैट्स राइट मकड़ी मानव। बट उससे पहले आपको करना पड़ेगा इस वीडियो पे लाइक, अगर आप इस वीडियो पे लाइक करते हैं तो हमारा फ्रैंकलिन बन जाएगा मकड़ी मानव। यस फ्रैंकलिन तेरे को बात माननी पड़ेगी, अब इनकी समझ में आया ना तेरे को। ओके मैं दो तक गिनती गिनूंगा, 1 2 माय गॉड भाई साहब, ये रहा गाइस सपना एंटमैन अपने एंटमैन के सूट के साथ। बट एंटमैन अभी ये बड़ा वाला है ना, नॉर्मल जो होता है मेरे हिसाब से ये यस ये नॉर्मल वाला एंटमैन है अभी गाइस, तुम लोग देख सकते हो। बट हम इससे छोटे हो सकते हैं, मतलब कि स्मॉल एंटमैन, और अगर हम चाहें तो हम भाई एक जाइंट एंटमैन भी बन सकते हैं, यानी हम और भी बड़े बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस जगह से निकलते हैं, सूट भाई अपने ने चुरा लिया, टोनी को पता भी नहीं लगा। हाँ ओके गाइस तो मैं आ गया हूँ सिटी के अंदर। हाँ एक्चुअली जो नॉर्मल एंटमैन है ना, इसमें कुछ ज्यादा वो पावर आवर नहीं है, अगर तुम लोग नोटिस करो तो। एक्चुअली मैन जो हमारा इंसान होता है ना, उसी तरीके की हमारा ये वाला एंटमैन है, बस इसने अभी सूट पहन लिया है। अब इसकी पावर ये है कि ये छोटा हो सकता है, उसके साथ ही साथ आठ बैठो भाई साहब, क्या तमाचा मारा। नाइस। हेलो हेलो ए लंडे, ऑटोग्राफ नहीं लेगा? ओए मैं एंटमैन हूँ, ऑटोग्राफ नहीं लेगा? ओ भाई साहब अभी घूसा बहुत तेज लगा अभी। आई ले आई ले लौंडा हमसे गुंडागर्दी करेगा। ओके तो ये था हमारा नॉर्मल एंटमैन, लेकिन अभी हम लोग बनते हैं छोटे वाले एंटमैन। ओके 1 2 एंड कहाँ पे है, कहाँ पे? ओ अबे ये नीचे रहा भाई, मेरे को भाई मेरे को एंटमैन दिख ही नहीं रहा भाई। ये रहे गाइस अपन छोटे वाले एंटमैन। अबे मैं कितना छोटा हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही छोटे हो गया। ये देखो भाई मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, ये औरत भी भाई मेरे से कितनी, हट हट हट, मार सकता क्या मैं इसको? भाग भाग यहाँ से, नहीं भागेगी, भाग यहाँ से। ए मैडम भाग भाई, मेरा एंटमैन कितना छोटा हो गया। ओए एंटमैन गन पकड़ सकता है क्या? ओ माय गॉड भाई साहब मेरे बंदे ने गन पकड़ ली, ओए ओए टक्कर मार दी मेरे को। ओए एंड भाई साहब एंटमैन के हाथ देखो, ओ तेरे की, ओ बच गए ओ बच गया भाई मैं, किसने मारे था मेरे को? निकलो। ओए भाई ये गोली मार सकता है भाई, ये देखो हटो, लेकिन निशाना सही से नहीं लग रहा, हट जाओ। ओ भाई साहब हमारा स्मॉल एंटमैन तो बहुत तबाही मचा रहा है यार। ओके चेक करते हैं, ओके अपुन ये पकड़ सकते हैं क्या? रुको मशीन गन, व्हाट द हेक भाई साहब, ये मशीन गन देखो भाई इसके हाथ में छुप भी नहीं रही। ओके ओ भाई मशीन गन चला पा रही है, आजा आजा आजा, सबके सब मरोगे भाई, क्या तबाही मचा दी। ओ माय गॉड बट गए सबके सब, मारो नाइस। ओ भाई मैं इतना बड़ा हो गया कि मेरे स्क्रीन में ये बन भी नहीं रहा है। ओए जायंट मैन, ओके अभी मैं एफपीवी मोड में हूँ भाई, देखो कितना ऊंचा हूँ भाई, इस बिल्डिंग के तक कितना ऊंचा आ गया हूँ मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई, बिल्डिंग में बन भी नहीं रहा हूँ। देखो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तुम्हें, ओ माय गॉड भाई साहब मैं कितना बड़ा हो गया ये देखो भाई, मैं इतना बड़ा हो गया यार, जायंट मैन एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा है यार। ओके चेक करते हैं कि भाई हमारा ये बंदा कितनी तेज भाग सकता है। ओए भाई ये तो बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, एक्चुअली मेरे को एफपीपी मोड में खेलना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब हमारा जायंट मैन कितना तेज भाग सकता, ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ मेरे हिसाब से टकरा गया। ओ ना खड़ा हो जा ओके
जंप मार के देखता हूँ, एक दो एंड वाओ, वो आई बहुत दूर गिरा जाके भाई मैं। भाई एक्चुअली हमारा जाइंट मैन तो बहुत ज्यादा बड़ा है सच्ची में, और हमारा GTA 5 गेम के अंदर वाम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। बट ये देखो भाई, हमारा एंटमैन भी तेज, ओए फिर की टकरा गया भाई मैं, ओ खूनी खून निकल गया भाई मेरा, कड़ा हो जा। एक्चुअली हमारा एंटमैन भी बहुत तेज भाग सकता है अगर हम पावर्स को एक्टिवेट कर दे तो, ये देखो। और हम कूद भी सकते हैं भाई बहुत ऊंचे ऊंचे, ये चल 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 एंड बूम। ये देखो भाई साहब, तेरा सूट खोल ले, ये नाइस भाई। अब हमारा एंटमैन भी तेज भाग सकता है। हेलो आंटी, ओ जंप इसकी काफी अच्छी है यार। हेलो आंटी, व्हाट्सअप, येलो पैसे। गाइस हमारे एंटमैन के पास और भी पावर्स हैं, जैसे कि ये वाली कांगी कहां भागती है, ओए औरत कहां भागती है, तू तो पिटेगा। ओ माय गॉड, हमारा एंटमैन एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल भी है यार, अगर हम इसको अच्छे से यूज करें ना तो। ये देखो हट, ओ माय गॉड, कतई हल्क जैसी पावर है भाई, इसके एक घूंसे में क्या दूर आदमी गिर रहे। नाइस वे, एंटमैन से तो भाई बिल्कुल मजा आने लगा भाई, क्या जबरदस्त लौंडा है यार ये। ओहो कहां भागती हो मैडम, नाइस भाई साहब। तो या गाइस आज के लिए इतना ही, होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है जाइंट मैन एंड मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जन्मदिन मात्रा में एंड बाय 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 बाय।